हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सुबह मारो सभी केम टीम बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। टिकटॉक को प्ले स्टोर से हटा दिया गया है, प्ले स्टोर से रिमूव कर दिया गया है। और आप लोग जानना चाहते हैं कि हम लोग अब कैसे डाउनलोड कर सकते हैं टिकटॉक को अपने मोबाइल में, तो मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो अगर आप टिकटॉक पे सॉरी प्ले स्टोर पर सर्च करते हैं टिकटॉक लिख कर, तो वहाँ पर टिकटॉक नहीं आने वाला है क्योंकि वहाँ से रिमूव कर दिया गया है, प्ले स्टोर से गूगल ने रिमूव कर दिया है टिकटॉक एप्लीकेशन को। यदि आप म्यूज़िकली लिखते हैं तो भी नहीं आएगा वहाँ पर टिकटॉक प्ले स्टोर पर। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि टिकटॉक हम लोग प्ले स्टोर से नहीं डाउनलोड कर सकते हैं क्योंकि गूगल ने पूरी तरह से रिमूव कर दिया है प्ले स्टोर से, अपने इस एप्लीकेशन को रिमूव कर दिया गया है। तो चलिए मैं बता देता हूँ कि आप लोग कैसे इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको कोई सा भी एक ब्राउज़र ओपन कर लेना होगा, चाहे तो क्रोम हो या फिर यूसी ब्राउज़र हो, कोई सा भी ब्राउज़र ओपन कर लेना होगा। वहाँ से आपको गूगल पर सर्च कर लेना होगा, मैं जो टाइप कर रहा हूँ यही सेम आपको भी टाइप कर देना होगा और सर्च कर लेना होगा गूगल से। जहाँ पर लिखना है डाउनलोड टिकटॉक एपीके, यही लिख कर सर्च कर देना है। और सर्च करने के बाद जो आपको फर्स्ट रिजल्ट दिखाई देगा, फर्स्ट साइट जो रहेगा जिसे यहाँ पर दिख रहा है टिकटॉक फॉर एंड्रॉयड एपीके डाउनलोड, उसे हमें क्लिक कर देना है। जो भी गूगल पे हमें फर्स्ट साइट दिखेगा वहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ देख लीजिए डाउनलोड एपीके का ऑप्शन आ रहा है, उसी पर हमें क्लिक कर देना है। देख लीजिए ये टिकटॉक है, यहाँ पर डाउनलोड एपीके आ रहा है, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन होगा, वहाँ पर भी आएगा ऑप्शन डाउनलोड एपीके, यहाँ पर कितने एमबी का ये बता रहा है, वापस इस पर क्लिक करना है और थोड़ा सा वेट कर लेना है और ये ऑटोमेटिक डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर हमें ओके करना होगा, क्रोम ब्राउज़र में ओके करना पड़ता है। यदि आपके पास यूसी ब्राउज़र है तो वहाँ पर भी ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गया, देख लीजिए यहाँ पर ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुका है। तो मेरे पास पहले से है, इसे मैं यहाँ कैंसिल कर देता हूँ। आपको दिखा देता हूँ कि टिकटॉक है और आप लोग उसे यूज कर सकते हैं। प्ले स्टोर से रिमूव कर दिया गया लेकिन फिर भी आप लोग डाउनलोड इसे कर सकते हैं किसी भी ब्राउज़र से, मैंने जैसे बताया वैसे सिर्फ लिखना है आपको और बड़े आसानी से आप टिकटॉक को इंस्टॉल कर लेंगे। तो मैं ऐसा करूँगा कि आपको वीडियो पसंद आया होगी, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। अगर आपको कोई सवाल है सुझाव तो नीचे कमेंट बॉक्स में करना मत भूलिएगा। अब मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।